फेडरेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन इतवार को पटना में हुआ। सम्मेलन में बिहार के विभिन्न जिलों से आए 100 से ज़्यादा स्कूलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान मुसलमानों के जरिए संचालित स्कूलों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई, साथ ही स्कूलों में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। नई दिल्ली से आए फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मुश्तबा फारूक ने कहा कि सरकार की ओर से थोपी जाने वाली नित नई शर्तों की वजह से स्कूलों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। देखिए, बुनियादी तौर पर तालीम की जो अहमियत कम से कम इस्लाम ने बताई है, शायद ही किसी मज़हब ने बताई हो। सवाल ये है, जहाँ इतनी तालीम की अहमियत है वहाँ पर तालीमी तौर पर मसाइल क्यों हैं? तो यहाँ पर कुछ मसाइल हैं वो हुकूमत से हैं, कुछ मसाइल हैं जो कम्युनिटी के इंटरनल सोच से हैं। हुकूमत की तरफ से जो तालीम की फराहमी के लिए मौके होने चाहिए थे, वो उसने मौके देने की बजाय उसमें शरायत जो लगाती है वो शरायत रुकावट बनते हैं। जहाँ तक मिल्लत का मसला है, तो मिल्लत के सामने सोच जो रही है वो उसने अपने दीनी तशख़्स और मिली तशख़्स की ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से वो जो सेक्युलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन है या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं जो कि आज के मारूफ सेटअप हैं, उससे थोड़ा सा गुरेजा रहे हैं। अब वो मिल्लत इस सोच पर आई है कि सब ये जितने भी मीडियम हैं या जो सिस्टम है वो सिस्टम ही प्रिवेल करता है और हमको उसके मुताबिक तैयारी करनी चाहिए, लेकिन इसमें ख्वाहिश से होता नहीं है तो उसमें तो वसाइल की ज़रूरत होती है। तो ये फेडरेशन जो है तालीमी इदारों के मैनेजमेंट का फेडरेशन है, जो इस गर्ज से लोग जमा हो रहे हैं कि हम एक दूसरे के मशवरे से, एक दूसरे के वसाइल से, एक दूसरे के तआवुन से कैसे मसाइल से उभर सकते हैं और कैसे मकसद को हासिल कर सकते हैं। तो ये फेडरेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस, इसका ये बिहार चैप्टर की लॉन्चिंग है और हम ये समझते हैं कि यहाँ पर हम गौर करेंगे तो कानूनी मसाइल से भी उभरेंगे, माशी मसाइल से भी उभरेंगे, क्वालिटी एजुकेशन का भी देखेंगे, टीचर्स की ट्रेनिंग का भी देखेंगे और हम जो है एक तामीरी सोच के साथ अपने तलबा को तामीर करने की जस्तजू करेंगे। सम्मेलन के दौरान फेडरेशन के बिहार चैप्टर की स्थापना की गई। फेडरेशन के बिहार कन्वेनर हसन शाहिद ने सम्मेलन के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम बिहार में फेडरेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लॉन्च करें और ज़िला लेवल पे इसके स्ट्रक्चर को बहाल करें, ताकि हम अपनी जो चैलेंजेस हैं आरटीई के ताल्लुक से हों, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से हैं, एक मुस्लिम माइनॉरिटी के हैसियत से जमहूरी हुकूमत से जमहूरी तौर पे हम अपने डिमांड्स को, अपने मसाइल को हल कर लें और ख़ुद मतलब कि अपने मसाइल को भी एक दूसरे के तआवुन से, मदद से, रहनुमाई से हम लोग हल करें। इस फेडरेशन का एक प्रोग्राम क्वालिटी एजुकेशन पे भी है। क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, ठीक है ना, और छोटे छोटे क्लब बनाएंगे, सब्जेक्ट वाइज क्लब बनाएंगे, जैसे इंग्लिश का क्लब होगा, मैथ्स का क्लब होगा, इसमें उन लोगों को ट्रेन करेंगे और जो चीज़ें होंगी, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी होगी, उनको अपडेट किया जाएगा, टीचर्स को अपडेट किया जाएगा। हसन शाहिद ने कहा कि राइट टू एजुकेशन के तहत अन्य प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले मुस्लिम स्कूलों में बच्चों के दाखिले का फ़ीसद ज़्यादा है। मुस्लिम तालीमी इदारों की सूरत हाल मुस्लिम कम्युनिटी के सूरत हाल पर डिपेंड करता है। आप जानते हैं कि मुस्लिम सोसाइटी हमारी जो है वो गरीबी रेखा के 60% लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो इन इदारों में उस 60% का रेशियो दिखाई देता है और इसमें 25% क्या, अगर हम कहें कि 50+ में बच्चे होते हैं तो कोई गलत नहीं होगे, इल्ला माशाल्लाह कुछ बड़े स्कूल हो सकते हैं। सम्मेलन को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के डायरेक्टर आफाक अहमद फैजी और जमात इस्लामी हिंद बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही समेत अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद, पटना।